जा रहे हैं 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 जा रहे हैं। माय गॉड 90 डिग्री। पूरा कनाडा पूरे साल समर का इंतजार करता है और अब समर शुरू हो चुका है और हम एक ऐसे प्लेस में जाने वाले हैं जहां सभी एज के लोगों को मजा आता है। जी हां, ये जो आपको सामने दिख रहा है वो है वंडरलैंड, जो कि कनाडा में ऑन्टारियो में है। 1981 में इसकी ओपनिंग हुई थी, तब से लेके आज तक सबका फेवरेट बना हुआ है। हम और हमारी पूरी गैंग जा रहे हैं यहाँ पर और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है। वीडियो दो पार्ट में बनेगा, तो वीडियो को जरूर देखिए और एंजॉय कीजिए। मेरे पीछे वंडरलैंड है, तो हम आज वंडरलैंड एक्सप्लोर करने आए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कितनी भीड़ है। हम अंदर एंटर करने के लिए क्यू में लग गए हैं और वेट कर रहे हैं कब नंबर आएगा अंदर जाने के लिए। ऊप्स, ये देखिए, वाओ, थ्रिल से भरपूर। ये जो राइड आप देख रहे हो वो पूरे वंडरलैंड में फैली हुई है। अंदर जाके सब कुछ डिटेल्स आपको दिखाएंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आपको पूरे वीडियो में बताती रहूंगी ताकि आपको भी प्लान करने में आसानी रहे। वंडरलैंड में फूड ले जाना मना है, तो आप फूड नहीं ले जा सकते हो, पानी की बॉटल ले जा सकते हो, अपना पानी भर के बाहर से ले जा सकते हो, लेकिन फूड आपको अंदर का ही करना पड़ेगा। अगर वहाँ पर ये स्ट्रिक्टली चेकिंग होता है तो ये आप ख्याल रखें। फाइनली सारा कुछ चेकिंग वगैरह ख़त्म करके हम अंदर एंट्री ले चुके हैं। अभी थोड़ा इधर उधर का देखेंगे किस तरफ पहले जाना है। हमारी पूरी गैंग या तो ग्रुप कहाँ पर डिसाइड करते हैं, लेट्स सी। अच्छा चलो, पहले वो लोग डिसाइड कर रहे हैं इस तरफ जाने का। ये देखिए, जा रहे हैं पूरी हमारी गैंग आगे आगे, लवाइथॉन का प्लान बना रहे हैं। जो हमने रोलर कोस्टर देखा बड़ा वाला, वहां पर जाने का प्लान है। देखिए यहाँ पर, यहाँ हाइट चेक होती है और यहाँ मैप दिया गया है, तो आप उस अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। तो ये जो आगे जा रही है हमारी टोली, वो लवाइथॉन की ओर जा रही है, जो कि बिगेस्ट और हाईएस्ट रोलर कोस्टर है वंडरलैंड में। तो देखते हैं कितनी लाइन है, उस हिसाब से तय करेंगे। ये सेंटरबरी थिएटर है, यहाँ पर 2 बजे शो होने वाला है और डिज्नीलैंड कैसल ऐसा नाम दिया है। पूरी आपको फिल्मी वाली वाइब्स आएगी शायद यहाँ पर घूमते घूमते। बहुत ही अच्छा बनाया है। अच्छा, आप रोलर कोस्टर लवर्स है और वो लवाइथॉन में आपको बैठना है, तो सबसे पहली टिप्स ये है कि जैसे ही आप वंडरलैंड में एंटर हो तो सबसे पहले उसी लाइन में लग जाओ, अदरवाइज वहाँ पर बहुत लाइन होती है। तो हमारा ग्रुप जो है उसने डिसाइड किया कि पहले हम छोटी छोटी और जो राइड्स है वो कवर कर लेते हैं, वरना उसी में लग जाएंगे तो बाकी का रह जाएगा। तो अभी थोड़ा प्लान चेंज किया है और यहाँ पर जा रहे हैं। ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं कि जा रहे हैं। यहाँ पर आपको बैग्स वगैरह
लॉकर्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप साथ में ग्रुप में हो तो कोई एक साथ में नीचे लेके खड़ा रहता है तो आपका मैनेज हो जाता है। दुष्यंत और पूरा ग्रुप हमारा रेडी है यहाँ पर बैठने के लिए। लेट्स सी। हियर वी गो। हमारी टीम जा रही है। Here they are. Number 1, 2, 3, 4, and last the Dushyant. Oh, middle. हम तो समर में आए हैं, लेकिन अब ये फोर सीजन एम्यूजमेंट पार्क है। स्प्रिंग, समर, फॉल एंड विंटर, इन चारों सीजन में लाइव शोज, स्पेशल इवेंट्स, विंटर फेस्ट और हेलोवीन हंट जैसे कई इवेंट होते हैं। टिकट्स वगैरह सारा कुछ डिटेल्स आपको मैं पार्ट टू में दे दूंगी, तो वो ज़रूर चेक करिएगा। स्क्रीन जोन में हम एंटर हो चुके हैं और ये जो सामने बड़ा है ड्रॉप टावर, ऊपर से नीचे से ऊपर ले जाते हैं और ऊपर से फिर नीचे फेंकते हैं। वाओ। तो अब बारी आती है ड्रॉप टावर की, तो हमारा पूरा ग्रुप यहाँ पर बैठने के लिए पीछे की ओर गया है और देखते हैं कि कौन सी साइड उनका टर्न आता है। चारों ओर से है और ये पूरा ऊपर से फेंकता है। और ये मेरे राइट साइड पे जो है वो लवाइथन है, जो कि बहुत ही हाईएस्ट लॉन्गेस्ट जो कि रोलर कोस्टर राइड है, जो कि हमने पूरे वंडरलैंड में फैली हुई है वो देखी, उसकी लाइन है पीछे तक। तो वहाँ पर नहीं जा रहे, तो बाकी और भी कुछ उससे पहले बैठने से पहले ये देखिए ये लोग जा रहे हैं।
ग्रुप लाइन में खड़ा है, तब तक हम कुछ और भी देख लेते हैं। पीछे स्पीडवे है तो थोड़ा थोड़ा मन हो रहा है मेरा, क्योंकि मुझे हाइट से और ऊपर नीचे जो होता है उससे बहुत डर लगता है। तो मैं तो यहाँ वीडियोग्राफी करने आई हूँ, आपके लिए पूरा वीडियो बनाने के लिए आई हूँ, तो ज़रूर देखिएगा। और ये स्पीडवे के लिए थोड़ा मन हो रहा है, लेट्स सी, देखते हैं कर पाती हूँ कि नहीं। बैठ गए हैं हमारी पूरी टीम, ये दोनों और ये तीन और ये तीन। अप, वाव, या जा रहे हैं, 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 जा रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये राइड देखो, दिख रहा है पिंजरे में आपको कैद करके ऐसे घुमा रहे हैं। फनी, लोगों को हर तरह से अलग अलग फील चाहिए, थ्रिल चाहिए, तो जो पिंजरा दिखाया था ना वो नाइटमार्स। नजदीक से दिखाती हूँ, देखो ऐसे अंदर खड़े रहते हैं। और फिर गोल गोल घुमाते हैं। चलिए आगे और भी कुछ देखते हैं क्या क्या है। किंग फेस्ट, आई थिंक स्नैक्स काउंटर है ये, यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट है, आप बैठ के खाना खा सकते हो। White beast, I see mixing up, subway, so इस साइड भी बहुत कुछ है। छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर मशीन बने हुए हैं, जहाँ पर कॉइन डाल के आप टॉयज पिक कर सकते हो।
तो ये बी फ्लाई है, तो वन मोर रोलर कोस्टर। यहाँ पर टोटल 18 रोलर कोस्टर है। आपको जितनी भी थ्रिल चाहिए उतनी मिल जाएगी। आपको किस तरह का आपको थ्रिल लेना है, किस तरह का कितनी चीखे करनी है, वो भी वहाँ यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो। मतलब कि ओवरऑल सबका कुछ न कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। थोड़ा आसपास का और भी राइड आपको दिखाने के लिए एक गेम है ये। प्राइस लिखी हुई है सामने और आपको यहाँ से बॉल लेके उसमें डालना है ऊपर, और अगर जीते तो इसमें से आपको टॉयज मिलेंगे। इस एम्यूजमेंट पार्क में 200 से ज्यादा अट्रैक्शंस है, 18 रोलर कोस्टर है। इतना ही नहीं, बच्चों के लिए भी है, 2 चिल्ड्रंस एरिया है और स्प्लैश वर्क्स है, और इससे मोर ओवर 20 एकर्स में फैला हुआ वाटर पार्क भी है। आपको कैसा एडवेंचर्स चाहिए उस हिसाब से आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर वॉशरूम की भी सुविधा बहुत ही अच्छी है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे सारा कुछ दिया गया है। देखिए ये रोल करता है पूरा, रोल करते 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 ऊपर जाएगा। सी वाओ, ओ माय गॉड, ऊपर जा रहा है। वो भी देखिए सी, माय गॉड, 90 डिग्री। वाओ, ओह नो। चलो दुष्यंत, ये स्काई हॉक उसमें गए हैं और हमारी टीम भी हमको मिल गई है, उसके साथ ही गए। बाकी के 2 जन इस राइड में बैठने गए हैं, ये, और मैं बैठूंगी यहाँ पर। ये तो बहुत ही बढ़िया राइड है, सच में कितनी एक्साइटिंग राइड है। यहाँ से बैठ के आप सबको ये देखो, ये देखो, रियली इज़न्ट इट व्हाट यू से। सभी बैठ जाएंगे तो सुनने के लिए भी तो कोई चाहिए, देखने के लिए भी कोई चाहिए, तो आई एम दैट पर्सन। वाओ, ये देखिए नीचे के लेवल में गोल गोल घूमती है उल्टी बकेट। सभी जगह अपने अपने सब घुमाते हैं। ये राइड है जो हमने दूर से देखी थी, ऊपर जाके फिर हेलीकॉप्टर की तरह गोल गोल घुमाते हैं और फिर नीचे आती है। एम्यूजमेंट पार्क की जो टिकट वगैरह है, रेट क्या है, वो सारा कुछ आपको पार्ट 2 में डिटेल्स मिलेगा। तो वीडियो दोनों पार्ट देखिए आप, बहुत ही एंजॉयमेंट मिलेगा आपको, प्लानिंग भी हो जाएगी, और अगर जो नहीं जा सकते उसको घर बैठे भी मजा आ जाएगा। ओह माय गॉड, जस्ट लाइक बंजी जंपिंग इन डियोस।
फिशिंग शॉट, हवा में झुलाते हैं इसे, झूलते ही रहो झूलते ही रहो। हाँ, ये सारे अट्रैक्शंस एक्स्ट्रा है। जैसे वो स्पीडवे मैंने दिखाया था वो एक्स्ट्रा था, उसका $10 थे। यस, ये स्प्रिंग है और उसी तरह से ये मूवमेंट होती है। दिस इज अ रिफ्रेशमेंट स्टेशन, वहाँ से आप रिफिल भी कर सकते हो और यहाँ पर ये स्प्रिंकल होता है। बहुत अगर गर्मी लगती हो तो आप यहाँ पर थोड़ा चील हो सकते हो, स्प्रिंकल होता है यहाँ पर। जो ये ड्रिंक है वो एक बार लेने के बाद यहाँ पर ऐसे रिफ्रेशमेंट जो स्टेशन है वहाँ पर अनलिमिटेड आप रिफिल करवा सकते हो। अलग अलग तरह के रोलर कोस्टर है ये। एक और रिफ्रेश देखिए, यहाँ से जो निकल रहा है वो स्प्रिंकल हो रहा है पानी का, तो आप धूप में खड़े हो तो आपको धूप ना लगे। घूमते घूमते हम वाटर पार्क की एंट्री तक आ पहुंचे हैं और वाटर पार्क का पूरा वीडियो हम सेकंड पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि हम आपकी जो मजा है वो डिसकंटिन्यू करना नहीं चाहते हैं। तो वीडियो में बने रहिए और पार्ट 2 भी हमारा जरूर देखिएगा।